आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अखिलेश यादव के कुंबे में भगवा खेमे की बड़ी सेंध, अपर्णा यादव भाजपा में होंगी शामिल। केंद्र ने राज्यों को दिया जांच बढ़ाने का निर्देश, पत्र लिखकर कोरोना टेस्टिंग की कमी का किया उल्लेख। अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर आज से 5G की शुरुआत, एयर इंडिया ने कई फ्लाइट्स की रद्द। अदालत की सुनवाई में वकील फोन के जरिए हो सकेंगे शामिल, सीजेआई ने खास ध्यान रखने को कहा। कप्तान दासुन शनाक के शतक के बावजूद श्रीलंका को जिम्बाब्वे ने 22 रन से हराया। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश की खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में मांड विधानसभा सीट से टिकट ना मिलने से भाजपा नेता नाराज हैं। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय के डायरेक्टर एस के शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। फूट फूट कर रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं, उसके बाद मैं जनता और कार्यकर्ता से राय मशवरा करूंगा और उनके आदेश का मैं पालन करूंगा। खुशी से नहीं छोड़ता है, जब उसके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं तो एक निर्पम मतलब गौ हत्या की जाती है, मजबूर में आदमी पार्टी छोड़ता है। जिस तरह से मेरी हत्या की गई है साजिश के तहत, मैं तो जनता जनार्दन जो कहेगी मैं करूंगा, जो मेरे सुख चिंतक हैं समर्थक हैं वो मैं करूंगा। लेकिन ये मैं ये जरूर कहूँगा कि पार्टी वो पार्टी नहीं रही, जो विचारधारा वाली पार्टी वो नहीं रही, या कोई विचारधाराओं की या कोई भी जो पूरा निष्ठा से काम करने वाले की ईमानदारी काम करने वाली पूरी समर्पित भाव से काम करने वाली पार्टी नहीं रही। इसमें तो ये है कि राम नाम की लूट है और लूटो जैसे लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। जो लूटने वाले लोग हैं उन्हीं की वैल्यू है। बुलंदशहर में सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी ने बसपा की कमियां गिनाई और पत्रकारों से कहा, मेरे परिवार में सभी किसी भी शहर के व्यापारी या किसी रसूखदार व्यक्ति ने कोई रंगदारी कभी नहीं मांगी है या कभी किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया। और सपा रालोद का गठबंधन किसानों की समस्या, बेरोजगारी और गरीब मजदूरों की समस्याओं को लेकर मैदान में है। मायावती सुप्रीमो ने किसान और मजदूरों की आवाज को उठाना छोड़ दिया, इसलिए मैं बसपा छोड़कर रालोद में शामिल हुआ हूं। पहले तो माफिया कौन होता है मुख्यमंत्री जी मुझे ये बताएं। अगर किसी का पारिवारिक झगड़े में केस आए हैं या पॉलिटिकल केस कोई लगा है तो माफिया कैसे हो सकता है? आप ज़्यादातर लोग मेरे भाई जितने पत्रकार हैं यहाँ पर बुलंदशहर के रहने वाले हैं, इस 25 साल में जब से हम पैदा हुए तब से हमारे शहर का हमारे ज़िले का कोई व्यापारी, कोई गरीब आदमी, कोई किसान या मजदूर आदमी ये बताए कि किसी से आज तक हमारे पास कोई मुकदमा खिराज हमने मांगा हो, किसी की दादागिरी से कोई ज़मीन घेरी हो या कि किसी गरीब को या किसान को परेशान किया हो। अगर पारिवारिक कोई हमारे झगड़े थे तो हमारे सौ सालों से एक पारिवारिक झगड़े थे जिनका 20 साल 25 साल से सब फैसले हो गए, हमारे सारे केस खत्म। खबर गाजीपुर से है, जहां पर पूरे जिले में सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार नजर आ रही है। पूरे जिले में कई जगह आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं। बड़ी संख्या में आवारा पशुओं के घूमने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वहीं राहगीरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के लिए आवारा पशुओं को आश्रय केंद्रों में रखने का निर्देश जारी किया है। आवारा पशुओं को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है, जबकि इस समस्या को लेकर डीएम ने हाथों को निर्देश देने और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जनपद में जो छुट्टा या आवारा पशु हैं उन्हें हम एक निश्चित स्थान पर रख सकें। इसके लिए हमने खंड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में और नगरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनको उनकी ड्यूटी से वाकिफ कराया है। आज भी मैंने मीटिंग ली है, सुबह शाम मैं इस प्रकार के अधिकारियों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ और अभी तक 280 हमारे आवारा और छुट्टा पशु पकड़े जा चुके हैं जिन्हें हम गो आश्रय स्थलों में रख रहे हैं। लेकिन हम सभी जनपदवासियों से भी अपील करेंगे कि कृपया वो इस तरह से अपने पशु। सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी सियाना विधानसभा से पूर्व विधायक दिलनवाज खान ने कहा कि मेरे ऊपर एक भी मुकदमे दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को किसी ने गलत सूचना दे दी है कि मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। सियाना विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये गठबंधन से घबरा गए हैं और मौजूदा बीजेपी विधायक को तो जनता ने त्याग दिया है। गाँव में जगह जगह उनका विरोध होता है, गाँव की जनता उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो चलिए सुनाते हैं कि सियाना विधानसभा से पूर्व विधायक ने और क्या कुछ कहा है। मेरे महरूम दादा जनाब मुमताज मोहम्मद खान साहब सियाना क्षेत्र से विधायक और मंत्री रहे, मैं सियाना क्षेत्र से विधायक रहा। उन्हें किसने गलत सूचना दे दी कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे हैं? मैंने तो आज अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया है, पिछले दो चुनाव लड़ा हूँ, आज तक मेरे ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का भी मामला नहीं है, एक मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर। तो ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये मुझे लग रहा है कि घबरा गए हैं, गठबंधन से घबरा गए हैं। आदमी को पहले स्टडी तो करनी चाहिए कि आप किस के बारे में कह रहे हैं। भाई मेरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया है, सबकी सेवा और खिदमत की है। मेरे पास, मैं तो विधायक होके भी मेरे पे रिवॉल्वर तक का तो लाइसेंस है नहीं। अलीगढ़ जिले में एक बार फिर बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला है, जहां कोतवाली इगलास इलाके में शाम ढलते ही दुकान बंद करने के बाद रुपयों से भरा बैग लेकर जा रहे चीनी व्यापारी को बेखौफ लुटेरों ने हथियारों के बल पर अपना निशाना बना लिया। मास्टर कॉलोनी में सुनसान रास्ते पर जा रहे बेखौफ लुटेरों ने दुकानदार को पीछे से सिर पर डंडे से मारकर उसे बेहोश कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे से लुटेरों की तलाश की जा रही है, साथ ही संदिग्ध लुटेरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। स्कूटी पे रोज की है, रोज आता था मैं, कभी मेरे साथ बच्चा आता था, कभी मैं अकेला आता था, और बैग जो है मेरे आगे उस पर टांग दिया था खुंटी पे ना स्कूटी पे, हाँ, और पीछे से उसने मारा है तो मुझे मालूम पड़ा है बिजली का वो लग गया है करंट। अब एकदम उसकी वो बिजली का सब करंट निकलता ना, तो उसने वो तमंचा चलाया मेरे ख्याल से, तो उसमें से वो करंट सब दिखा मुझे। क्या हथियार वगैरह भी उनके पास में? हाँ, करंट वो वहाँ कट्टा भी पड़ा है, एक नकली है का असली है जना मालूम। तो लगभग लगभग कितने लाख की लूट हुई आपके साथ है? एक लाख रुपये तो होंगे। हाँ, ये चीनी व्यापारी होलसेल के व्यापारी हैं, मुकेश अग्रवाल जी, यही मास्टर कॉलोनी में रहते हैं। तो दुकान बंद करके स्कूटी से घर जा रहे थे, तो सकरी गली है वहाँ पे, बता रहे हैं कि एक लड़के ने किसी ने पीछे डंडा मार दिया और गिर गया, उनका थैला ले गया। अब कितनी तंदाज गई है उसको कहे कि हम अपना हिसाब करके तो बताएंगे, अभी अमाउंट क्लियर नहीं है। इसमें सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और संदिग्धों की जो है तलाश करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां ग्रामीणों ने पुलिस ऑफिस के सामने युवक का शव सामने रखकर प्रदर्शन किया। दरअसल 2 जनवरी को दबंगों ने युवक की पिटाई की थी, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सूचना पर सीओ सदर ने मौके पर पहुंचकर धरना खत्म कराया। वहीं पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुए एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ लालगंज को इस मामले की जाँच सौंप दी है। लेटा था अपने दरवाजे पे, वो लोग दबंग लोग हैं, बदमाश लोग, तो आए उसको डंडा उसके पेट में मारे, हाथ फट गई। आप इस नंबर बुलाए गए, एम्बुलेंस गई लेके आई, खिरो में उसको एडमिट कराया, तो 3 दिन वहाँ रहा, उसके बाद वहाँ रेफर कर दिया रायबरेली के लिए, यहाँ थे, यहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया, वहाँ डेथ हो गई। कल कुछ लोग यहाँ पर आए हैं,
थाना क्षेत्र के हैं लोग रहने वाले। इनका आरोप है कि 2 तारीख को कोई झगड़ा हुआ था जिसमें ये जो मृतक है इनको चोट लग गई थी। घायल अवस्था में इनको अस्पताल ले गए थे जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। इनको आश्वासन दिया गया कि जो भी ये प्रार्थना पत्र दे उस पर अभियोग पंजीकृत होगा और आवश्यक कार्रवाई। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में 2022 के चुनावों को भयमुक्त कराने के लिए अब प्रशासन के द्वारा कमर कस ली गई है। प्रशासन के द्वारा आरएएफ और सीआरपीएफ की टीमों के साथ मिलकर कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला जिससे आम जनता को सुरक्षा का एहसास हो सके और वोट भयमुक्त होकर 2022 के चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसको लेकर प्रशासन लगातार सुरक्षा का एहसास कराता नजर आ रहा है। चुनाव के दृष्टिगत जो है ये एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है जिससे जनता भयमुक्त होकर मतदान कर सके और सभी को प्रेरित किया जा रहा है कि सब अपना भयमुक्त होकर जो है मतदान करें, किसी प्रकार की किसी प्रलोभन में ना आए और किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो पुलिस को अवगत कराएँ और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई पूरे क्षेत्र में इलाज क्षेत्र में आज की जा रही है। अलीगढ़ में आगामी 22 और 23 जनवरी को होने वाली धर्म संसद को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और प्रथम चरण के विधानसभा चुनावों के कारण धर्म संसद स्थगित की गई है। धर्म संसद कोर कमेटी के 2 मुख्य सदस्यों के जेल जाने के कारण भी धर्म संसद स्थगित करने का फैसला लिया गया है। धर्म संसद कार्यक्रम की आगामी तारीख की घोषणा 23 जनवरी को होने वाली कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। वहीं साध्वी अन्नपूर्णा भारती ने बताया कि धर्म संसद को रोका नहीं गया है बल्कि कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। नहीं नहीं, रोकी नहीं गई है, इसको पोस्टपोन किया गया है क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव हैं अलीगढ़ में और दूसरा महामारी कोरोना का भी विकराल रूप हो रहा है, तो कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत जितनी संख्या में आप उपस्थिति चाहते हैं वो संख्या जो है निश्चित तौर पर हमारी काफ़ी ज़्यादा रहती। और साथ में ही हमारे मुख्य जो वक्ता है यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज वो भी अभी इस समय जेल में है, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी भी जेल में हैं, तो दोनों ही हमारे प्रमुख वक्ता हैं धर्म संसद के। तो ये सारे कॉजेज जो हैं इसकी वजह से हमने धर्म संसद को पोस्टपोन किया। बदायूं के थाना उज्जानी पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों से संघन चेकिंग अभियान के दौरान 530 लीटर कच्ची शराब और 4 किलो यूरिया शराब बनाने के उपकरण के साथ साथ 2000 लीटर लहन नष्ट कराते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपराध और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फतेहपुर में पॉस्को कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जहां 90 दिनों के भीतर पॉस्को कोर्ट ने दोषी को फांसी का फैसला सुनाया। बता दें कि दोषी ने 15 अक्टूबर 2021 की दोपहर में 3 साल की बच्ची से रेप किया था। वहीं रेप के बाद बच्ची ने मौके पर दम तोड़ दिया। दोषी के कमरे से बरामद बच्ची का शव को देखते हुए दोषी दिनेश पासवान कौशाम्बी के दारानगर का रहने वाला है और खागा के खुजरही गांव में किराए के कमरे में रहता था। थाना खागा क्षेत्र के अभियुक्त दिनेश पासवान जो कि अपने पड़ोस की एक 3 साल की बच्ची को सेब खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और ये बात खुल न जाए इस भय से उसने इस लड़की की हत्या कर दिया और लाश को एक बिस्तर में लपेटकर अपने कमरे में रख लिया। जब लड़की के माता पिता को लगा कि लड़की पता नहीं कहाँ गई, उसकी खोजबीन किए तो पता चला इसके साथ गई थी, उसके कमरे की तलाशी लिया तो वहाँ पर लड़की की लाश बिस्तर में लपेटी हुई मिली। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, विवेचना हुई, विवेचना मात्र 7-8 दिन के अंदर चार्जशीट लगा दी गई। उसके बाद माननीय न्यायालय मामला आया यहाँ पर, इसका तेजी से निस्तारण करते हुए माननीय जज साहब ने मात्र 70 दिन में इस मामले का फैसला कर दिया और उसको मुलजिम को फांसी की सजा दी गई है जो माननीय उच्च न्यायालय के अप्रूवल उपरांत। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।